पूर्व कांग्रेस सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये आरोप भाजपा नेता संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में लगाए। संजय शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर से पूर्व मंत्री के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच करवाने की मांग की है। संजय शर्मा का आरोप है कि पूर्व मंत्री के पास जो विभाग था उनके नियमों के परिवर्तन करके मोहाली की दो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया है। पूर्व मंत्री द्वारा प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर संजय शर्मा ने कहा कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्व मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है तथा करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी राज्य की दो कंपनियों पूर्व मंत्री और विभागीय अधिकारियों के आपस में क्या संबंध थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री बताएं कि बाहरी राज्य की कंपनी को ठेके किस आधार पर दिए गए, क्योंकि समय समय पर नियमों में परिवर्तन किया गया और कंपनियों को अपने रेट्स पर काम दिए गए। संजय शर्मा ने आरोप लगाया कि जिन कार्यों को करने के लिए उक्त कंपनियां पात्र नहीं थी उन्हें वो काम दिए गए। संजय शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा जो आरोप पूर्व सरकार के मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं उनकी प्रदेश सरकार विजिलेंस से निष्पक्ष जांच करवाए तथा जो अनियमितताएं हुई हैं उसकी रिकवरी संबंधित मंत्री व अधिकारियों से की जाए। इस अवसर पर उनके साथ रमेश जरियाल व अन्य उपस्थित रहे। मैंने जांच मांगी है कि पूर्व सरकार के एक मंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता उस समय समय के ऊपर वर्तमान सरकार के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप जो है वो मन घड़ंत लगाते रहते हैं, जबकि जिस समय में वो मंत्री रहे हैं उनके विभाग के अंदर अथाह भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों रुपए का जो है वो राजस्व को चूना जो है वो हिमाचल सरकार के लगा है। मेरे मुख्यमंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया है कि सरकार एक इंडिपेंडेंट जाँच करवाए कि मोहाली की दो कंपनी थी, मैसेज लेवल 9 विज प्राइवेट लिमिटेड मोहाली और साइनर्जी थ्रिलिंगस्टोन मोहाली, इन दोनों कंपनीज का मंत्री का और विभाग के अधिकारियों के आपस में क्या संबंध थे, उनको किस आधार के ऊपर जो है वो इनकी क्वालिफिकेशन नहीं होने के बावजूद जो है वो इनको उस लिस्ट के अंदर रखा गया और इनको जितने भी ठेके विशेषकर धर्मशाला डिवीजन के अंदर हुए वो सारे ठेके इन कंपनीज को किस आधार पे दिए गए, क्यों समय समय के ऊपर नियमों के अंदर परिवर्तन किया गया, क्यों जो है वो इनके चाहे रेट जो है वो जो इनके मनपसंद रेट थे उन रेट्स के ऊपर इनको काम दिया गया और हिमाचल को जो है हिमाचल सरकार को जो है और हिमुडा को विशेषकर धर्मशाला के अंदर इनको वो काम दिए गए जो काम करने की ना तो ये क्वालिफाई करते थे, ईपीएस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करवाने का इनका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। हाई कोर्ट के अंदर अगर किसी ने चैलेंज किया तो वहाँ पे विभाग ने जाकर के जो है वो मिसलीड किया है, वहाँ पे किसी ने चैलेंज किया कि जो ये कंपनी जिनको काम जो है वो जिस कंपनी को लेवल 9 को दिया गया है लेवल 9 का ईपीएस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करवाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाई कोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने कहा कि अब हम जिस कार्य के लिए टेंडर किया था वो काम अब हम ईपीएस टेक्नोलॉजी में नहीं करवा करके उसको हम जो है वो आरसीसी में करवाएंगे। जब हाई कोर्ट से केस विड्रॉ होता है तो उसके बाद जो है वो फिर उसी कंपनी को ईपीएस टेक्नोलॉजी के अंदर काम दे दिया जाता है। कुछ बिड्स जो हैं वो करोड़ों की भरी 3-4 करोड़ के बीच में भरी जाती है, लेकिन नेगोशिएशन के अंदर इन्हीं कंपनीज को काम देने के लिए जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपया जो है वो बिड जो है वो नीचे आ जाती है, जबकि असूलन जो है वो टेंडर जो है उस समय वो कैंसिल हो जाने चाहिए थे लेकिन कैंसिल नहीं करके इन कंपनीज को जो है वो काम दिए गए। इस सारे ये गंभीर आरोप जो है ये पूर्व सरकार के इस विभाग के ऊपर हैं। सरकार को चाहिए कि इस सारे मामले की जो है इस प्रकरण की जो है वो विजिलेंस से जो है वो इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और दोषी लोग जो है वो उनको कानून के अंतर्गत जो है वो सजा दी जा सके।